हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डाबड़ में किया सैनिटाइजर का छिड़काव। गुड़ामलानी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाबड़ में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सरपंच पांचाराम बिशोई के निर्देश में सैनिटाइजर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत डाबड़ में कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे ग्राम पंचायत के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। ग्राम पंचायत भवन, होटलें, सार्वजनिक जगह, तेल पंप, सब जगह हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया एवं ग्रामीणों को घरों के अंदर रहने एवं सरकार के द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने के लिए भी कहा गया। ग्राम पंचायत डाबड़ के उदानियों की ठाणी, राठौड़ की ठाणी, सरकारी भवनों व मेगा हाईवे पर ढाबो, रिलायंस व HPCL पंप सहित पंचायत परिक्षेत्रों में डोर टू डोर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इससे पहले भी राजीव गांधी सेवा केंद्र, स्कूल परिसर, उप स्वास्थ्य केंद्र तथा दुकानों के आसपास हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी शंकर नाम जाखड़ ने ग्राम विकासियों को हिदायत देते हुए कहा कि सरकारी आदेशों की पालना करें, किसी अफवाह पर ध्यान न दे, अपने घरों में सुरक्षित रहें। सरपंच पांचाराम बिशोई ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसे सोशल डिस्टेंसिंग से ही इसका बचाव किया जा सकता है, ऐसे में लोगों को अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी। सरपंच ने कहा कि मेरी पंचायत में इस दुखद घड़ी में आम जन के साथ खड़ा हूं। आज ग्राम पंचायत डाबड़ में सैनिटाइज करा गया कोरोना महामारी को देखते हुए एसपी पंप, रिलायंस पंप, सभी जगह सैनिटाइज किया गया और मास्क वितरण किया गया और ग्राम पंचायत के लोगों को हिदायत दी गई कोरोना महामारी को देखते हुए आप घरों में रहें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और मेरी ग्राम पंचायत में कोई भी बंदा भूखा नहीं रहे, ये मेरी ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य नाथूराम भील, पूर्व सरपंच बिजला राम चौहान, प्रेम सिंह, मोहनलाल गोदारा, माना राम पुनिया, भवर सिंह, राजेश शर्मा सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। डाबड़ से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।